अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज अदनान अहमद, योर एसएससी टीचर्स। आई होप दैट हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सबके सब ठीक ठाक होंगे। तो वी वर लर्निंग अवर टॉपिक नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ साउथ एशिया। साउथ एशिया के नेचुरल रिसोर्सेज के मुताबिक हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा नेचुरल रिसोर्सेज में फॉरेस्ट आ गए, फॉरेस्ट की टाइप्स पढ़ी। उसके बाद वाटर रिसोर्सेज आ गए कि फ्रेश वाटर हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, फिर वो इरिगेशन के अंदर कहाँ का काम आता है, ठीक है। उसके बाद बांग्लादेश और दीगर ममालिक की भी हमने इरिगेशन के मुताबिक पढ़ा, ठीक है। और भी इरिगेशन किस किस तरीके से की जाती, कैनाल सिस्टम से, कैरिज से, अंडरग्राउंड से और दीगर चीज़ों से। फिर हमने एग्रीकल्चर के मुताबिक पढ़ा कि एग्रीकल्चर क्या होती है। फिर क्रॉप टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के मुताबिक पढ़ा कि जो है साउथ एशिया के अंदर किस किस किस्म की क्या है क्रॉप्स की टाइप्स पाई जाती है। फिर हमने नए नए आपको नक्शे के थ्रू भी समझाया था, इसके अंदर मैंने आपको ये बताया भी था कि ये तमाम क्या है साउथ एशिया में क्रॉप्स लगती हैं, ठीक है। मैप के थ्रू बताया था क्या ये हर एक मुल्क को रिप्रेजेंट करती है, इसका क्या दिया हुआ है, देखिए इसकी इंडिकेशन भी दी हुई है। जैसे ये टी है तो टी के लिए लीफ बना हुआ है, जहाँ जहाँ लीफ बना हुआ है वहाँ वहाँ टी उगती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ क्रॉप्स पढ़ी, और टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के बाद हमने लास्ट डे क्या था मैथड पढ़े थे एग्रीकल्चर के, एग्रीकल्चर के मैथड कितने हैं। इंशाल्लाह टुडे वी आर गोइंग टू लर्न इट्स प्रॉब्लम, एग्रीकल्चर में कौन कौन से मसाइल दरपेश आते हैं आज हम वो पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। सो हिट द क्लास। मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर इन साउथ एशिया आर लॉस ऑफ लैंड। जो सबसे अहम प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर के अंदर जो हमें आती है वो क्या होती है साउथ एशिया के अंदर, वो क्या है ज़मीन का ज़ाया होना। अब ज़मीन क्या है ज़ाया होती है या उसके इस्तेमाल में आ जाती है, और एक मतलब आप यूँ सोच लें कि एक लैंड ऑफ पीस से आप उस पर कोई और काम कर रहे हो, फिर अगर वो खेती बाड़ी के लिए ले ली तो वो ज़मीन क्या उसके लिए फिक्स हो जाती है, तो वो लॉस ऑफ लैंड भी में आ जाती है, ठीक है। स्केयरसिटी ऑफ वाटर, पानी की किल्लत, पानी की कमी हो जाती है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। एंड पॉवर्टी और गुरबत, ये तीन मेजर इश्यूज़ हैं किसके अंदर एग्रीकल्चर के लिए, क्या ये तीन मेजर इश्यूज़ होते हैं। पहला क्या है लॉस ऑफ लैंड, साउथ एशिया में लॉस ऑफ लैंड होती है, ठीक है, जैसे कि ज़मीन गिर जाना, ठीक है। दूसरा स्केयरसिटी ऑफ वाटर, पानी की किल्लत हो जाना, कमी हो जाना, एंड पॉवर्टी और गुरबत, ये तीन मेजर इश्यूज़ हैं। आइए मजीद देखते हैं। लॉस ऑफ लैंड हैपन्स व्हेन फर्टाइल सोइल लॉसेस इट्स क्वालिटी। अच्छा लॉस ऑफ लैंड से क्या मतलब है, एक तो जगह तो गिरती गिरती, अब लॉस ऑफ लैंड से क्या मतलब बता रहे हैं कि लॉस ऑफ लैंड हैपन्स ये होती है कब होती है, व्हेन फर्टाइल सोइल, जब जरखेज़ जो मिट्टी होती है ना उसकी सॉइल होती है वो क्या अपनी क्वालिटी खो दे तो फिर क्या होता है वो ज़मीन ज़ाया हो जाती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर सॉइल में क्वालिटी नहीं होती तो फिर क्या है फसल नहीं लगती। समटाइम दिस में हैपन ड्यू टू अ नेचुरल कॉज, समटाइम ऐसा होता है कि कुदरती तौर पर भी ख़राब हो जाती है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस इफ़ अ रिवर चेंजेस इट्स कोर्स, मिसाल के तौर पर अगर जैसे दरिया की जो पानी की रफ्तार है वो अगर तब्दील हो जाए तो फिर उससे भी ये क्या है चेंज हो जाती है। हाउ एवर लैंड इज लॉस इन मोस्ट केसेस, जैसे तैसे क्या है ज़मीन क्या है मतलब ख़राब हो जाती है, वो अपने बहुत से उसके केसेस हैं मुख्तलिफ ड्यू टू द रॉन्ग डिसीजन, गलत फैसले से भी हो जाती है, टेकन बाई ह्यूमन बींग्स, अगर कोई गलत फैसला ले लें कि ज़मीन के ऊपर क्या है मतलब आप किसी और चीज़ की अनाज उग सकती है और आप कोई और उगा लो, उससे भी क्या होता है अगर आपने खेती बाड़ी करते हुए कोई चीज़ कम या ज़्यादा डाल दी तो उससे भी हो सकती है, ओवर वाटर डाल दिया उससे भी हो सकती है, सनशाइन उसे नहीं मिली उससे भी हो सकती है, और दीगर मामला भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको मज़ीद जानने के लिए आप किसी किसान से रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह मज़ीद भी इन्फो मिल जाए। फॉर इंस्टेंस मिसाल के तौर पर ईच क्रॉप हैज़ अ डिफरेंट इफेक्ट ऑन द लैंड, हर एक क्रॉप्स का हर एक फसल का ज़मीन के ऊपर क्या होता है इफेक्ट बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। वेयर इट इज़ ग्रोइंग, जहाँ वो ग्रोन हो रही हो, ठीक है, जहाँ वो बढ़ रही हो तो उसका ज़मीन के ऊपर भी अलग अलग इफेक्ट। सम क्रॉप्स इंक्रीजेज द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड, कुछ ऐसी क्रॉप्स होती है जो ज़मीन की ज़रखेज़ी गज़ाइत को भरपूर बढ़ा देती हैं, ठीक है। वाइल अदर यूज सच अ सिक्वेंस दैट द न्यूट्रिशन यूज अप बाय वन क्रॉप आर रिटर्न टू द ग्राउंड बाय द नेक्स्ट। अच्छा इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द क्रॉप टू बी ग्रोन, अच्छा सॉरी हम लोग ऊपर वाली लाइन पढ़ रहे थे। अच्छा वाइल द अदर यूज अप ऑल इट्स न्यूट्रिशन, बाकी दूसरी क्या उसके तमाम क्या है ज़रखेज़ी इस्तेमाल कर लेती है, ठीक है। पहली क्या कुछ फसलें की ज़रखेज़ी बढ़ा भी देती है और कुछ उसकी ज़्यादा इस्तेमाल कर लेती है ज़मीन,
इट इज़ इम्पोर्टेंट, ये बिल्कुल अहम है फॉर द क्रॉप टू बी ग्रोन इन सच अ सीक्वेंस दैट अ न्यूट्रिशन यूज अप बाय वन क्रॉप एंड द रिटर्न टू द अदर बाय द नेक्स्ट। अच्छा देखिए, ये बहुत ही ज़रूरी बात है कि क्या है, ज़मीन को इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए कि जो फसल क्या है, कोई भी ज़मीन को नुकसान नहीं देती, उसको सबसे पहले उगाना चाहिए, फिर उसके बाद वो क्या है, ज़मीन की ज़रखेज़ी बढ़ा देती, गज़ाइत को बढ़ा देती, तो फिर उसके बाद उसकी दूसरी क्रॉप्स, ठीक है, जो ज़मीन से थोड़ी सी गज़ाइत लेती हो, बाकी छोड़ देती हो, बढ़ा दे, फिर उसके बाद तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, इसी तरीके से सीक्वेंस में क्या उसकी, अगर हम लोग एग्रीकल्चर करते, खेतीबाड़ी करते, तो इससे क्या होगा, इससे जो आखिरी यूनिट वाली होगी ना, तो वो आखिरी यूनिट वाली जब हम लगाएंगे तो फिर ज़मीन की क्या है, ज़रखेज़ी ख़राब होगी। लेकिन अगर सपोज़ करें कि कोई ऐसी फसल जो क्या है ज़मीन को ख़राब करती है, अगर उसको सबसे पहले लगा दे तो ज़मीन ख़राब हो जाएगी, तो बाकी सबकी फसल तो लग नहीं सकेगी। तो इसलिए तमाम जो क्रॉप्स हो वो सिक्वेंस में लगाई जाए, एग्रीकल्चर सिक्वेंस में की जाए, तो इस समय ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल जाता है। समटाइम्स कभी कभार ऐसा होता है कि फार्मर्स डू नॉट फॉलो दिस प्रोसीजर एंड दिस हैज अ बैड इफेक्ट ऑन द सॉइल। कभी कभार किसान जो होते हैं क्या है, इस सीक्वेंस को फॉलो नहीं करते, तो फिर क्या होता है, ज़मीन के ऊपर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है, ज़मीन ख़राब हो जाती है। इन द सेम मैनर द कैनाल समटाइम इंक्रीज द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर विच कॉजेज द लैंड टू बिकम मार्शी और वाटर लॉग। और कभी कभार फिर इसी तरीके से ऐसा होता है कि दरिया को जो पानी होता है ना, वो दरिया से पानी क्या है बहुत ज़्यादा स्पीड में आके और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, वो पानी क्या करता है, वो फील्ड के अंदर खेतों में क्या है भेज देता है, और जिससे क्या है पानी की सतह बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और खेतों के अंदर पानी ही पानी बढ़ जाता है, और जिससे क्या है वाटर लॉक हो जाता है। दिस ऑल्सो रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द सॉल्ट कंटेंट्स ऑफ द सॉइल हैंस कॉजिंग सैलिनिटी। ठीक है, तो इसके फिर क्या होता है, इससे अंदर ये होता है कि इसके नतीज के अंदर ये होता है कि पानी के अंदर क्या है नमकियात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और खेतों के अंदर क्या है नमकियात सॉल्टी ज़्यादा बढ़ जाता है सॉइल के अंदर, तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है सैलिनिटी उसकी ख़त्म, मतलब का उसकी क्या है ज़मीन ख़राब हो जाती है। आगे देखते हैं, दीज डेज स्कैर्सिटी ऑफ वाटर इज ऑल्सो बिकमिंग मेजर इशू। अब इन दिनों में जो है ना, इन दिनों में पानी की किल्लत क्या है वो बहुत ही ज़्यादा मेजर इश्यूज बन गया। आप जानते हैं, अगर लिटरली बात बताऊं तो हमारे खुद के यहाँ पर क्या है मीठा पानी नहीं आता, ठीक है, बोरिंग का पानी इस्तेमाल किया जाता है, और यहीं पर ही नहीं, बहुत सारे कराची के अंदर और पूरे पाकिस्तान के अंदर ऐसे बहुत सारे बेशतर एरियाज़ हैं कि जहाँ जो मतलब वाटर की जो है ना बड़ी जो है मतलब स्केयरसिटी हो रही है, काफ़ी कमी हो रही है, क्योंकि वाटर सही से प्रॉपर सप्लाई नहीं हो रहा। अब इंसानों को नहीं हो रहा तो खेतों को देखो, क्या सोचो किस तरीके से होता होगा, बड़ा ही मुश्किल काम हो जाता हो, क्योंकि उन्हें भी फ्रेश वाटर चाहिए होता। अब जहाँ करीब तर दरिया वगैरह होते हैं, आबशारे होती है, तो वहाँ तो उनको पानी मिल जाता है, लेकिन अगर यहाँ की बात करें सिंध की, तो यहाँ पर काफ़ी इश्यूज हो जाते हैं, क्योंकि पानी एक बहुत ही बड़ा इशू बना हुआ है। विद द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द साउथ एशिया, साउथ एशिया की पॉपुलेशन में साउथ एशिया की आबादी के अंदर दिन ब दिन क्या हो रहा है, इजाफा होता जा रहा है, ठीक है, तो जिसके बिना पर इट्स वाटर रिसोर्सेज आर बिकमिंग इनसफिशिएंट। तो इसके जो पानी के ज़खायर, जो पानी की हमारे पास मिकदार है, वो क्या है, वो कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि पीने वाले लोग बढ़ रहे हैं। सपोज़ करो एक बोतल पानी है, उसे चार लोग पीते हैं, अब पीने वाले छः हो जाए, तो पानी और वही एक बोतल है, तो किल्लत तो होगी, कमी तो होगी ना। तो इसी वजह से साउथ एशिया के अंदर क्या है, आपके पास फील्ड्स लिमिटेड है, जिसके अंदर लिमिटेड अनाज उग सकता है। अब वहाँ पर जितने मेंबर पहले था, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है कि पानी के अंदर, अब वो खाने में वो पानी के अंदर क्या होगा, फिर वो किल्लत हो रही है, स्केयरसिटी हो रही है, कम पड़ रहा है। एज अ रिजल्ट मेनी एरियाज़ आर नॉट बींग इरीगेटेड प्रॉपरली। तो इसलिए काफ़ी एरियाज ऐसे हैं कि जहाँ पर आपाशी नहीं की जा रही, जस्ट बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ वाटर, वाटर की शॉर्टेज होने की वजह से। ठीक है, तस्वीर देख सकते हो, देखो इस तरीके से प्लगिंग वगैरह होती है। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स भी है, देखिए इसके अंदर ओवर पानी हो गया, अब इसमें क्या प्लगिंग करने में इश्यूज है, या देखिए ओवर पानी हो गया। ठीक है, ये देखिए ये बिल्कुल प्रॉपर है, गीली है मिट्टी, पानी प्रॉपर मिला हुआ है ईजिली। क्या ये यॉक्स के जरिए, क्या ये यॉक्सिन के जरिए, क्या खेती बाड़ी हो रही है। ठीक है, अनाज बीज वगैरह होगा, फसल रखी, फसल की देखभाल भी करनी। तो सिमिलरली इस तरीके से क्या है, फसल उगाई जाती है, उसके हमने मेथड पढ़े, कितने चार मेथड होते हैं, और इसके आज हमने मसाइल पढ़े। इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू आवर क्लास, प्रॉब्लम्स मजीद भी होती है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन टेक अ गुड केयर ऑफ योरसेल्फ क्लास, अल्लाह हाफिज़।